स्टोरीज ऑफ लीडिंग वुमेन्स माउंटेनियरिंग, जो औरतों में जो माउंटेनियर ऐसी उनकी स्टोरी ये देखिए। प्रेमलता अग्रवाल वाज बोर्न एट जुगसलाई जमशेदपुर झारखंड ऑन 20 मई 2011 एट 19:30 PM। जो प्रेमलता अग्रवाल है उनका जन्म जमशेदपुर झारखंड के जमशेदपुर जुगसलाई में हुआ था 20 मई 2011। शी गोट क्रेडिट ऑफ टचिंग माउंट एवरेस्ट एट द हाइएस्ट ऑफ 29,029 फीट वेन शी वाज 48 ईयर ओल्ड। उनको जो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वहाँ 29 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने का श्रेय मिला हुआ जब वो 48 ईयर की थी। एट द एज ऑफ 15 ईयर्स ऑन 23 मई 2013 अलास्का नॉर्थ अमेरिका शी कंकर्ड माउंट एवरेस्ट MCNL एंड अर्नड ए ग्रेट नेम इन हाइकिंग। और जब वो 15 ईयर्स की हुई तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी अलास्का की पहुंचने का भी श्रेय प्राप्त किया वो भी 15 ईयर्स की एज में। शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब दिस माउंटेन, वो इस पहाड़ पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। एट द एज ऑफ 35 ईयर्स शी अटैच हर सेल्फ टू द हॉबी ऑफ हाइकिंग। जब 35 साल की थी तब वो मतलब इस चीज़ से अटैच थी यानी जो पहाड़ पर चढ़ने उनकी हॉबी बन गई थी। अंडर द गाइडनेस ऑफ बचन दीप पाल एंड टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम हर शी बिकम अ मेंबर ऑफ एवरेस्ट हाइकिंग इंटरनेशनल टीम कंस्ट ऑफ 22 मेंबर्स अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ एशियन ट्रेकिंग कंपनी ऑफ नेपाल। उन्होंने बचन दीप पाल से प्रेरणा लेकर और वो सारी इंस्पिरेशन लेकर और उनकी गाइड से उनके मार्क से वो क्या कहते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी और उन्होंने एक एशियन ट्रेकिंग कंपनी ने जो कि नेपाल इंटरनेशनल का उसमें 22 मेंबर्स की सदस्य को भी उनको मिली। डू यू नो क्या आपको पता है प्रेमलता अग्रवाल वाज अवार्डेड पद्मश्री बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर हर अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ माउंटेनियरिंग। आपको पता है प्रेमलता अग्रवाल को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है वो भी हमारी सरकार की तरफ से, ये उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। शी इज़ द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम झारखंड स्टेट द स्केल द माउंट एवरेस्ट। वो झारखंड की प्रथम व्यक्ति थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की उपलब्धि उन्हें मिली। नेक्स्ट वुमेन है संतोष यादव वाज बोर्न इन जनसवाई ऑफ डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी इन जर्नी। संतोष यादव का जन्म जनवरी में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जनसवाई में हुआ 1965 में। शी गोट हर एजुकेशन एट महारानी कॉलेज जयपुर। उन्हें जो उनकी शिक्षा एजुकेशन है वो जयपुर महारानी जी कॉलेज से हुई। ही वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कंक्यू माउंट एवरेस्ट एट द टेंडर एज। वो बहुत ही कम रूम में एक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। बिसाइड दिस शी वाज द वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट फ्रॉम द कंचन। वो बल्कि प्रथम महिला थी जो माउंट एवरेस्ट की कंचनजंगा साइट पर पहुंची। फर्स्ट इन मई 1991 देन इस मई 1993 शी गॉट सक्सेस इन क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। वो मई 1990 से लेकर मई 1993 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। एट द एज ऑफ 20 ईयर्स शी अर्न हर नेम एज हाइकर इन द इंटरनेशनल टीम ऑफ हाइकर। वो तब माउंट एवरेस्ट जब उन्होंने चढ़ाई की तब उनकी एज 20 ईयर्स थी और उन्होंने इंटरनेशनल टीम जो पदवी जो इंटरनेशनल टीम ऑफ हाइकर्स की है उसमें अपना नाम भी कमाया या फिर मिला उनको। ठीक है, थिंक एंड डेल हु वाज ऑलरेडी एल्डरली वुमेन्स टू अटैच हरसेल्फ टू द वर्ल्ड टीम। हाँ, आपको इसमें सबसे जो बुजुर्ग महिला है जो वर्ल्ड टीम से उसका नाम बताना हु वाज अ यंगेस्ट वुमेन तक और आपको इसमें माउंट एवरेस्ट की जो यंगेस्ट वुमेन तो आ जाएगा या संतोष यादव और इसमें आ जाएगा प्रेमलता अग्रवाल। बच्चन दीपाल अनदर नेम ऑफ ब्रेवरी एंड वेगर। जो बच्चन दीपाल है उसका नाम वो एक बहादुरी के लिए जानी जाती है। बच्चन दीपाल वाज बोर्न एट विलेज नकुरी इन झारखंड। बच्चन दीपाल का जन्म झारखंड के नकुरी गांव में हुआ था। शी वाज द एडवेंचर सिंस हर चार बचपन से साहसी थी। ड्यूरिंग द चाइल्ड स्कूल पिकनिक वंस शी क्लाइंब्ड अ माउंटेन वाइल वो जब पिकनिक वाइल प्लेइंग ड्यूरिंग हर ट्रेनिंग एट नेहरू हाइकिंग इंस्टीट्यूट शी क्लाइंब सॉरी जब वो स्कूल पिकनिक पे जाती थी तो वो पहाड़ों पर खेलते खेलते पहाड़ों पर चढ़ जाती करती थी। ड्यूरिंग हर ट्रेनिंग एट नेहरू हाइकिंग इंस्टीट्यूट शी क्लाइंब गंगोत्री माउंटेन इन 1982। वो जब नेहरू हाइकिंग इंस्टीट्यूट से जब ट्रेनिंग ले रही थी तब 1982 में उन्होंने गंगोत्री माउंटेन की चढ़ाई की। इट हाइट वाज 21,900 फीट उसकी जिसकी ऊंचाई थी 21,900 फीट। शी आल्सो पार्टिसिपेट इस रुदुघेरा माउंटेन्स हाइकिंग मिशन। जब उनका एक हाइकिंग मिशन पहली यात्री मिशन अभियान हुआ था जिसमें रुदुघ माउंटेन जिसकी ऊंचाई 1,990 फीट थी उसमें भी हिस्सा लिया ऑन अकाउंट ऑफ हर वेरियस एडवेंचर एक्सपेडिशन। और इसके अलावा उन्होंने कई प्रकार के साहसिक अभियान में भाग लिया। शी वाज सेलेक्टेड इन माउंट एवरेस्ट 84 इसीलिए वो जब माउंट एवरेस्ट की एक जो टीम थी चढ़ाई करने के लिए जा रही थी 84 की टीम उसमें भी उन्होंने
को सेलेक्ट किया गया। ड्यूरिंग एवरेस्ट हाइकिंग देयर वाज अ हग लैंड स्लाइड एंड द लैंड अंडर देयर फिट स्लाइड। जब वो जब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे थे तब बहुत सारे लैंड भूमि के खिसकना या भूस्खलन होना चालू हो गए। बचेंद्र रिसीव्ड अ हेड इंजरी। उनको बचेंद्र पाल को इस समय सिर में बहुत जोर से चोट भी लगी। और द अदर मेंबर ऑफ द टीम्स वर बेडली वॉन्टेड। और टीम के जो दूसरे मेंबर थे वो भी घायल हो गए थे। मोस्ट ऑफ देम वेंट टू बेगो। बहुत सारे वापस चले भी गए थे। बट बचेंद्र पाल डिड नॉट लॉस हर हार्ट। लेकिन बचेंद्र पाल ने अपने हार नहीं मानी। हर करेज एंड अनशेकन डिटर्मिनेशन इनेबल हर टू बिकम द फर्स्ट वुमेन पुटिंग हर फुट ऑन माउंट एवरेस्ट ऑन 23 मई 1984। वो अपने दृढ़ निश्चय पर अड़ी रही और उन्हें 23 मई 1984 पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी और वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन माउंटेनियर बनी। डू यू नो बचेंद्र पाल बिलोंग टू अ फैमिली वेरी मॉडरेट फैमिली। जो बचेंद्र की फैमिली थी बहुत ही उदारवादी फैमिली थी। शी वाज वन ऑफ द 7 चिल्ड्रन और हंसा देवी एंड श्री किशन सिंह पाल। वो उनके पापा माता पिता हंसा देवी और किशन पाल जिनके 7 बच्चे थे उनमें से एक थी। अ बॉर्डर ट्रेड्समैन हु सप्लाइड ग्रोसरी फ्रॉम इंडिया टू तिब्बत। और उन्होंने दस्तकार के रूप में जो मतलब किराने के सामान को जो इंडिया से तिब्बत ले उनको भी सप्लाई किया। फाइन एंड राइट डाउन हु इट इज लैंड व्हाट इज लैंडस्लाइड व्हाट इज लैंडस्लाइड क्या होता है यानी भूमि का खिसकना। इफ भूमि अपने से खिसक जाती है उसे बोलते हैं इफ एनीवन हैज डन सम एडवेंचर डिड राइट अबाउट इट नेरेट इन क्लास। यानी अगर आपने कोई ऐसा साहसिक कार्य किया है तो अपने क्लास में बताना है। व्हेन हाइकर प्रोसीड टू क्लाइंब द एवरेस्ट दे टेक प्लास्टिक कंटेनर अलोंग विद देम एंड लीव देम प्लास्टिक कंटेनर ऑन द माउंटेन। जब जो भी माउंटेनियर होते हैं पहाड़ों पर चढ़ते समय अपने साथ में कई प्रकार के प्लास्टिक कंटेनर साथ में लेके जाते हैं और जब वो कंटेनर खाली हो जाते हैं तो उनको पहाड़ों पर छोड़ देते हैं। इन दिस वे वेस्ट मटेरियल गोज ऑन गेजिंग एंड इंक्रीज ऑन द माउंट। इसी वजह से पहाड़ों पर प्लास्टिक की जो अधिकता बढ़ती जा रही है जो सर वेस्ट मटेरियल बढ़ता जा रहा है इससे क्या हो रहा है हमारा इन द सेम वे वेस्ट मटेरियल इन इंक्रीज ऑन द माउंट एवरेस्ट। इसीलिए माउंट एवरेस्ट जो सारा वेस्ट मटेरियल है वो बढ़ता ही जा रहा है। इट इज़ हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट ऑफ द माउंट। ये हमारा माउंट एवरेस्ट या हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसान है क्योंकि जो सारा प्लास्टिक का आइटम वहाँ से कचरा इकट्ठा हो रहा है हवा प्रदूषित हो रही है इस वजह से। वॉट आर द थिंक एंड टेल वॉट आर द हार्म्स ऑफ वेस्ट मटेरियल इंक्रीज ऑन द यानी जो क्या नुकसान है हमें जो मटेरियल वेस्ट मटेरियल बढ़ रहा है पहाड़ों पर आपको ये बताना है। वॉट थिंक डू द हाइकर्स टेक अलोंग विद देम। जो चलने वाले हाइकर्स होते हैं वो अपने साथ में क्या क्या लेके जाते हैं। वॉट डेंजर्स एंड डिफिकल्टी डू हाइकर फेस। और जो पर्वतारोही होते हैं उनको क्या क्या डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है और कौन सी खतरनाक डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है ये आपको बताना है।